लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता टेस्ट के पांचवें दिन काफी ड्रामा देखने को मिला। टीम इंडिया ने श्रीलंका को 231 रन का टारगेट दिया था। मैच के 19वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ कि इंडियन बॉलर मोहम्मद शमी और कप्तान विराट कोहली भड़क गए। श्रीलंकाई बैट्समैन डिकवेला इस मैच में इंडियन बॉलर से भिड़ते नजर आए। इस मामले को शांत करवाने के लिए अंपायर को बीच बचाव करवाना पड़ा। बता दें कि टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम 7 विकेट खोकर सिर्फ 75 रन बना पाए और मैच ड्रॉ हो गया। 19वें ओवर में मोहम्मद शमी ने पहली बॉल बाउंसर फेंकी जिसे डिकवेला खेल नहीं पाए। अगली बॉल पर जैसे ही शमी ने दौड़ना शुरू किया डिकवेला ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। डिकवेला का ऐसा रिएक्शन शमी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दरअसल डिकवेला सिर नीचा कर हाथ से ही शमी को वापस जाने का इशारा कर रहे थे। बैट्समैन का ऐसा रिएक्शन देख इंडियन कैप्टन विराट कोहली भी गुस्सा हुए। हालांकि इसके बाद शमी ने बॉल की जिस पर बैट्समैन आउट होने से बाल बाल बचा। इसके बाद शमी भी डिकवेला के पास क्रीज तक आए और दोनों खिलाड़ियों के बीच कहा सुनी हुई। विराट और अंपायर इस मोमेंट को देखते रहे। अगली बॉल पर फिर डिकवेला ने वैसे ही एक किया और बॉल खेलने के लिए तैयार ही नहीं हुए। इसके बाद अंपायर ने डिकवेला, क्रीज पर मौजूद श्रीलंकाई कप्तान दिनेश चांडीमल और इंडियन कैप्टन विराट कोहली को बुलाकर बात की। इस मामले पर विराट इतना भड़क गए कि वो अंपायर की बात सुनने तक को तैयार नहीं थे। ओवर खत्म होने के बाद अश्विन भी डिकवेला से भिड़े थे।